They say behind every successful man, there's a woman. I'd like to believe behind every successful vision and thought, there is a woman. And behind us, there is a splendidly talented lady who thinks about society and how to carry it forward. Please welcome with a huge round of applause, Mrs. Varsha Goel. नमस्कार तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है लेकिन तू इसका एक परचम बना लेती तो होता बहुत अच्छा जी हाँ स्वागत करती हूँ आप सभी के चेहरे की रौनक पे आ रहे उस भाव का जो हमें कुछ कहने और करने की हिम्मत देता है एक मानसिकता कहती है कि औरत होती नहीं औरत बनाई जाती है तो दूसरी मानसिकता कहती है कि तुम हो तो ये घर लगता है वरना यहाँ डर लगता है जी हाँ आज का ये प्रयास है कि औरत बनाई ना जाए उसे उसके होने का एहसास कराया जाए ताकि वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर सके आज हम उस स्त्री शक्ति का सम्मान करते हैं जो किसी की बेटी बनी बहन बनी पत्नी बनी और फिर माँ बनी जो जो हमने उसे बनाया वो बनती चली गई लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं बनी जिन अपनों के सपनों को साकार करने के लिए उसने घर की दहलीज को अपना ड्रीम मैप बना लिया वो अपने भी अक्सर ये कह उठते हैं अरे हाउसवाइफ ही तो है घर में ही तो रहती हैं करती ही क्या है हमारे कुछ साल पहले के सर्वे के अनुसार हमारी मतगणना में इन्हें जनसंख्या के नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में रखा गया आप सोचिए जरा कि दुनिया की सारी कंपनियां जिनको ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट बनाती हैं समाज उन्हें नॉन प्रोडक्टिव कहता है लेकिन आस हाउसवाइफ अवार्ड उन महिलाओं का सम्मान करता है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन को किसी क्रेडिट का इशारा जरूरी नहीं है वो किसी क्रेडिट की मोहताज नहीं है आस एक कोशिश कर रहा है कि समाज में अवेयरनेस फैला सके और इस आस हाउसवाइफ अवार्ड के पीछे हमारा एक ही मकसद है सर्वाइकल कैंसर जागरूकता को फैलाना एक ऐसी बीमारी जिससे हर रोज सैकड़ों जिंदगियां चपेट में आती हैं आस ने एक कोशिश की है कि उन जिंदगियों को बचा सके और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं आज का एक और प्रयास पढ़ेगा युवा यानी कि ब्रिलियंट इंडिया अभी वीरेंद्र उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं तो मैं चार लाइनें राष्ट्रीय कवि दिनकर की उसके बारे में बोलना चाहूँगी नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में अग्नित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में समझे कौन प्रकृति का रहस्य बड़ा अनोखा हाल गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल जी हाँ ये गुदड़ी के लाल अगर इनको जरा सा मौका मिल जाए जरा सी सपोर्ट मिल जाए जरा सी सुविधा मिल जाए तो देखिए समाज में कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्योंकि आज की शाम हाउसवाइफ के नाम है तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए ने इतना कीमती समय निकाला और उनके लिए बस ये चंद लाइनें कहना चाहूँगी हमारे वास्ते निकले तुम्हारे वास्ते निकले निकले कहीं से भी मगर कुछ रास्ते निकले धन्यवाद